उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भारतीय किसान संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अन्य किसान संगठनों ने दिल्ली जाने के लिए कूच किया तो प्रशासन और पुलिस ने बैरियर बनाकर उनको हिरासत में लेकर अस्थायी जेल पुलिस लाइन भेज दी। सुबह से ही जनपद की विभिन्न कस्बों और तहसीलों में किसान धरना प्रदर्शन कर दिल्ली कूच करने की तैयारी में थे, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों ने तहसील मुख्यालय पर भी किसानों का ज्ञापन लिया और उन्हें अपने गंतव्य के लिए वापस कर रवाना कर दिया। लेकिन फिर भी 200 से 250 किसान बुलंदशहर जिला मुख्यालय पर एकत्र हुए और वहाँ पर अपनी सभा कर नारेबाजी की। प्रशासन ने 2 बजे के बाद जब किसानों ने दिल्ली जाने के लिए कूच का मन बनाया तो उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दी। आज अभी आप पुलिस लाइन में बैठे हुए हैं, आपकी क्या रणनीति थी जो पुलिस लाइन में है पहुंच गए? हमारी रणनीति तो युद्ध गेट पे है। युद्ध गेट पे हमारा 22 दिन से पूरे किसान सरकार ने रोक रखे बॉर्डर पर जी, और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जो राजेश टिकैत जी पहुँच रहे हैं और राजेश टिकैत जी परमानेंट भी रह रहे हैं, तो हम तो सीधे बॉर्डर पर जा रहे हैं। ये अपने दल से बल से सरकार एक किस्म से हिटलर साई से गुंडागर्दी से हम जेल में आ गए हैं, पुलिस लाइन में जेल में। यहाँ सरकारी पानी पे हैं, सरकारी खाने पे हैं, मरेंगे तो सरकारी कफन पे हैं। यहाँ के बाद सीधा सीधा हमें जाना यूपी गेट, या तो जाएंगे यूपी गेट और या जेल में पड़े तुम्हारे सामने। किसान तो अपनी मांग के लिए जा रहा कि हमारी सॉल्टी सरकार कट दे, कि जो फसल का आप रेट हमें देते होगा ये मिलेगा, उसका फसल का रेट मिल जाना चाहिए, हमें जानते कुछ भी। प्रधानमंत्री ये कहे किसी मंडी में 2 रुपए कम भी रेट जाएगा तो वो लेने वाला जेल जाएगा, इसका कानून माने वो या इसका कायदा माने। मन की बात बहुत करें, वो मन से बात ना कर रहे, वो मन से बात कर लेंगे तो किसान क्यों पड़ेगा, क्यों मरेगा? हमारे 20-21 कम से कम शहीद हो गए हुआ, और हम चाहेंगे भाई ये शहादत जो बॉर्डर पे हो रही है वो जिला बुलंदशहर से शुरू हुए और हर एक जिले में शहादत दी जाएंगी और शहादत जिले के बाद में सीधे गांव तक पहुंच जाएगी। अब ये हर गांव हर घर किसान जागने वाला है, जाग गया है। ये सरकार जितना उत्पीड़न कर रही है इतने सरकार के सामने सिर्फ किसान जागेगा और जाग चुका है, अपना अधिकार लेकर के मांगेगा, पूर्ण रूप से मानेगा। ना तो लाल कार्ड बनवा रहे, ना गैस सिलेंडर लेने जा रहे, ना इनके चावल ले रहे, हम तो अपनी फसल का रेट ले मांगने जा रहे हैं। भाई हमारी फसल का हमें रेट दे दो, हमारी फसल का रेट दे दो। आपके प्रदर्शन में एक बच्ची भी दिख रही है पीछे, ये इसके अलावा जैसे अभी क्या बच्चों को भी निकालने की शुरुआत होने लगी है? ये बच्ची मान के चलिए घर का घेरा तोड़ के इसके साथ में और बच्ची आ रही है। अच्छा, इस बच्ची ने अपना हौसला पढ़ी लिखी के तरीके से पापा के साथ ये गांव से बाहर आ गई, पापा के साथ गाड़ी बैठी चली बीच में। इस बच्ची ने हौसला दिखाया है कि हम जब अपनी जमीन धरती माता की कमाई जो पूरे देश का पेट भरते हैं, हमारा भी जो आंख खुलती है अन्न खा खुलती है, तो जो अन्न खा रहे हैं तो अन्न खाए का हम पूर्ण रूप से अपना फर्ज नहीं निभाएंगे। एक किसान परिवार से पैदा है तो हम पूर्ण रूप से जेल भी जाएंगे, बॉर्डर भी जाएंगे और मान के चलिए लास्ट स्थिति में मरने के लिए भी तैयार है। अस्थायी जेल में आपको रखा गया है, करीब 250 किसान यहाँ पर मौजूद हैं। अभी किसान से बात चल रही थी, कह रहे थे कि अब अगर इन्होंने हम लोगों को नहीं छोड़ा, यहीं रखा अगर पुलिस लाइन के अंदर ही, तो घरों से आपके बच्चे भी यहीं पर आपके साथ ही रहेंगे, ऐसा कुछ है क्या? पूरी रात पुलिस के द्वारा किसान का उत्पीड़न करवाया गया है, गाड़ियों की हवा निकाल दी गई है, बहुत अरेस्ट कर लिए हैं। ये तो 250 किसान, इनसे कुछ लड़के आए, ये कुछ लड़के हम चाह रहे हैं ऊपर से, हमें आदेश संदेश है टिकैत साहब का, कोई लड़ेगा नहीं, कोई गुथेगा नहीं, जहाँ भी पुलिस हमें पकड़े वहीं जेल समझकर वहीं बैठना शुरू कर दो। हम धरना देने की सोच रहे बाहर कालाम पे ही, जहाँ हमारा जब देश आयाद होया, जब हमारे बुजुर्ग कुर्बान नहीं, हम चाह रहे कि इसी कालाम पे यही कुर्बानी होके, यही की कुर्बानी किसानों के प्रति ऊपर तक आवाज जाए और हमारा धरना जल्दी जल्दी समाप्त हो जाए। भगवान से यही कहेंगे मालिक उसके दिमाग में सही आ जाए, प्रधानमंत्री की में जो सरकार हमने बनाई है, जो किसान की मांग है ये तो मांग सरकार को करनी चाहिए, ये सरकार पहले करे ही बीजेपी जब नहीं उसमें सेंटर में, अब ये सेंटर में आ गई, ये भूल गई, ये अब लड़ाई
आपके माध्यम से भी बहुत ऊपर तक पहुंचेगी, लेकिन चैनल के माध्यम से एक बात और कहेंगे हम कि हमारे सब चैनल भाई हैं, एक कोई अर्नब है गोस्वामी जी, उनका हम संगठन किसान बहुत वफादारी करे, इतना माने कि उनके साथ में जो हो रहा है मुंबई में बहुत गलत हो रहा है, लेकिन अब हम माने कि इतना बहादुर इंसान हमारे देश में पैदा हुआ जिसके घर चार सिपाही पहुंच गए, सूसू निकल गया, पेशाब निकल गया और किसानों के बारे में उल्टी सूधी बात कर रहा। ऐसे कायर चैनल वालों को चैनल खत्म कर देना चाहिए। हम मान के चलेंगे किसान किसी के बुरे बारे में नहीं बोलता, लेकिन वो किसानों के बारे में बुरा बोल रहा तो भाई आपसे हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है, कोई अर्नब का है चैनल वाल ना आ जा, चाहे जेल हो चाहे खुले में हो, हमारा पूर्ण रूप से बहिष्कार है केवल अकेले अर्नब का। जय जवान जय किसान जय टिकैत। रणनीति हमारी है, मैं कैप्टन बिशन शिरोही बोल रहा हूँ, भारतीय किसान बाबा टिकैत का प्रदेश सचिव होने के नाते जिला बुलंदशहर जनपद से संपूर्ण किसान उत्साहित है और बुलंदशहर से कूच करने वाला है दिल्ली की तरफ। शासन प्रशासन ने हमने रोक लिया है, अभी शासन प्रशासन हमारे बीच में आए अपनी वार्ता करेगा, हमें किस वजह से रोक रखा है, हमारी बात सुने और अपनी कार्रवाई करे, या तो हम जेल जाएंगे, जेल भेजने का काम करें, नहीं तो हम सीधा गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे जहां टिका साहब बैठे हैं, वहीं संपूर्ण बुलंदशहर की जनसमूह वहां पहुंचने का काम करें।